हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कंपनी लॉ में प्रवर्तक के बारे में, प्रमोटर्स के बारे में। देखिए, कंपनी लॉ में प्रवर्तकों के बारे में, यानी प्रवर्तकों के बारे में, यानी प्रमोटर्स के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। कंपनी एक विधिक व्यक्ति होती है, उसे विधिक व्यक्तित्व प्राप्त होता है। उसका अस्तित्व जो आता है वो एक कानून के द्वारा ही आता है, विधि की स्वीकृति पर निर्भर करता है। जब तक कानून उसे स्वीकृत नहीं कर लेता, परमिशन नहीं दे देता, तब तक कोई भी कंपनी निगमित कंपनी नहीं कहलाती है। कंपनी के अस्तित्व को लाने वाले व्यक्ति ही प्रमोटर कहलाते हैं, प्रवर्तक कहलाते हैं। जो व्यक्ति कंपनी के निर्माण की योजना बनाता है अथवा कंपनी रजिस्ट्रेशन इत्यादि की व्यवस्था करता है, वह कंपनी का प्रवर्तक कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंपनी का प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो कंपनी के सीमा ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को तैयार करते हैं। कंपनी विधि में प्रवर्तक की परिभाषा नहीं दी गई है, कहीं भी इसे परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ विधि शास्त्रियों ने परिभाषा दी है, उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। एक विधि शास्त्री हैं सर फ्रांसिस पामर। इन्होंने कहा कि प्रवर्तक एक ऐसा व्यक्ति है, ध्यान से सुनिए, प्रवर्तक एक ऐसा व्यक्ति है जो एक कंपनी निर्माण की योजना बनाता है। संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद को तैयार करवाता है, उनकी रजिस्ट्री करवाता है और प्रथम निदेशकों को चुनता है। प्रारंभिक जो प्रसंविधाएँ होती हैं, संविधाएँ जो दस्तावेज हैं, की शर्तों को तय करता है, संविधाओं को तय करता है और आवश्यक हो तो फिर विवरण बनवाता है, यानी कि प्रॉस्पेक्टस बनवाता है और उसे प्रकाशित करने और पूंजी एकत्र करने का प्रबंध भी करता है। ये जो परिभाषा थी वो सर फ्रांसिस पामर की थी। दूसरी परिभाषा जो है लॉर्ड लिंडले की है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तक शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। कंपनी के संबंध में प्रवर्तक का अर्थ प्रभावपूर्ण क्रिया से होता है, जो कंपनी को तैयार करने, प्रारंभ करने तथा प्रचलन में लाने के लिए आवश्यक होता है। ये लॉर्ड लिंडले ने ये बात कही थी, लॉर्ड लिंडले की परिभाषा थी। अब ब्लैक बर्न की परिभाषा देखिए। ब्लैक बर्न ने ये कहा है कि जो प्रवर्तक निश्चित उद्देश्यों के आधार पर कंपनी का निर्माण करता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है। इन परिभाषाओं से पता ये चलता है कि प्रवर्तक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी निश्चित उद्देश्य से कंपनी के निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाइयाँ करता है, अर्थात कंपनी के निर्माण के लिए योजना बनाता है। संगम ज्ञापन व संगम अनुच्छेद को तैयार करता है, उनकी रजिस्ट्री करवाता है और प्रथम निदेशक को चुनता है। इसके साथ ही कंपनी के जो प्रवर्तक उन व्यक्तियों को भी एकत्रित करते हैं जो कंपनी के प्रथम निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करे, उन्हें ढूंढता है।
और बिना प्रवर्तकों के किसी भी कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है या होते हैं, क्योंकि प्रवर्तक संख्या में कई होते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार के प्रवर्तकों के लिए कंपनी के प्रवर्तक के हेतु पारिश्रमिक की भी व्यवस्था की जा सकती है। समझना है प्रवर्तक कौन होता है? प्रवर्तक कंपनी का मुख्य व्यक्ति होता है जो वास्तव में कंपनी का संचालन करता है। प्रवर्तक का कार्य चूंकि मौलिक होता है, इसीलिए विधि में इसके संबंधों का उल्लेख है। प्रवर्तकों का कंपनी से संबंध बहुत विश्वासपूर्ण होता है, परंतु वे कंपनी के न्यासी नहीं होते, वो कंपनी के न्यासी नहीं होते हैं। प्रवर्तकों के द्वारा किए गए संविदा यदि कंपनी द्वारा अमान्य कर दिए जाएं, तो उनके लिए प्रवर्तकों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होगा। कैसे? अगर उस संविदा से कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी, उनका उसका दायित्व प्रवर्तकों पर होगा, प्रमोटर पर होगा। यदि प्रवर्तक कंपनी के निर्माणात्मक प्रक्रिया के मध्य कंपनी के धन का दुरुपयोग करते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। और यदि प्रवर्तकों ने कंपनी का धन, यानी कोई रुपया पैसा, कोई धनराशि अपने पास रखी है या रखते हैं, तो उन्हें ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। अब प्रवर्तकों के अधिकार क्या हैं? जो प्रवर्तक हैं, प्रमोटर्स हैं, उनकी राइट्स क्या हैं? प्रारंभिक व्यय लेने के अधिकार। अगर कंपनी के निर्माण के समय जो भी खर्च आया है, उस खर्च को लेने का अधिकार प्रवर्तकों को है। प्रवर्तकों को ये अधिकार है कि कंपनी के निर्माण में उनका जो धन व्यय हुआ है, उसे वे कंपनी से प्राप्त कर सकते हैं। वे कंपनी के निर्माण से पहले जो भी खर्च आया है, जहाँ खर्च किया है, कार्यालय बनाने के लिए खर्च किया है, कोई पेंटिंग की है, कोई परमिशन में खर्च हुआ है, दस्तावेज तैयार करने में खर्च हुआ है, सारा पैसा कंपनी से ले सकते हैं। लेकिन इन व्ययों की वसूली के लिए, यानी कि पैसा लेने के लिए कंपनी से, जो प्रवर्तक हैं, प्रमोटर हैं, उन्हें प्रमाण पेश करना होगा। जैसे जहाँ भी खर्च हुआ है, जिस तरीके से, तो उसकी स्लिप, उसकी रसीद उनके पास होगी, वो देना पड़ेगी कंपनी के लिए, तभी पैसा प्राप्त होगा। जिसके आधार पर यह सिद्ध हो सके कि जो व्यय किया है वो कंपनी के निर्माण के लिए ही किया है, किसी और के लिए नहीं। कंपनी के बनने पर कंपनी के जो प्रवर्तक होते हैं, उन प्रवर्तकों को अनेक व्ययों का भुगतान कर सकती है कंपनी। तो प्रवर्तकों के अधिकार में पहला क्या था? प्रवर्तकों के अधिकार में का अधिकार, पहला अधिकार है व्यय को प्राप्त करने का, प्रारंभिक व्यय लेने का अधिकार। प्रारंभिक व्यय लेने का अधिकार, ठीक। अब दूसरा अधिकार देखिए, दूसरा अधिकार यह है कि जो सह प्रवर्तक होते हैं, सह प्रवर्तक से आनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार। जो उसके सहायक होंगे, जैसे मान लिया 3 या 4 प्रवर्तक हैं, तो जो सह प्रवर्तक हैं उनके, उनसे आनुपातिक रूप से, आनुपातिक से मतलब है जितना खर्च हुआ है बराबर बराबर। मान लिया अगर 200 रुपये खर्च हुए हैं, 300 खर्च हुए हैं, अगर 3 लोग तो 100 100 हो गए, या जैसा भी खर्च हुआ है आपस में आनुपातिक रूप से पैसा ले सकते हैं। यानी कि सह जो प्रवर्तक होते हैं, सह प्रवर्तकों से आनुपातिक खर्च प्राप्त करने का अधिकार, करने का अधिकार, ठीक। तीसरा है, अच्छा, ये जो सह प्रवर्तकों का जो आनुपातिक धनराशि प्राप्त करने का अधिकार है, यदि दस्तावेज में मिथ्या कथन के आधार पर सह प्रवर्तकों में से किसी पर प्रवर्तकों की क्षतिपूर्ति का जो धनराशि प्राप्त कर ली जाती है, तो अन्य सह प्रवर्तकों से आनुपातिक राशि प्राप्त कर सकता है। जैसे उदाहरण दूं कि अगर कोई भी मिथ्या कथन किया गया है, मिथ्या कथन से मतलब कोई झूठी बात
लिखी गई है, और उस आधार पर कोई संविदा हुई है और संविदा शून्य है, तो उसका जो नुकसान हुआ है वो प्रवर्तकों से लिया जाएगा। अब मान ले राजू, श्याम और रामू तीन प्रवर्तक हैं, अब रामू से ले लिया, अब राजू अब दो बचे तो उनसे, तो जिस अगर रामू से ले लिया है तो जो अन्य हैं जो सह प्रवर्तक हैं तो रामू उनसे लेगा, जो अनुपाती धनराशि है, जो क्षतिपूर्ति उसने दी है, जो उससे नुकसान हुआ है। अब तीसरा है पारिश्रमिक पाने का अधिकार, पारिश्रमिक यानी कि मजदूरी पाने का अधिकार, अगर कोई पाने का अधिकार, भाई प्रवर्तक हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, भाई अगर मेहनत करेगा तो पैसा तो लेगा, तो जो पारिश्रमिक पाने का अधिकार इन्हें भी होता है। प्रवर्तक कंपनी निर्माण तथा चलाने में कठिन परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए कंपनी उन्हें प्रतिफल के रूप में कुछ पारिश्रमिक देती है। ये पारिश्रमिक कमीशन भी हो सकता है या लाभ हो सकता है या एक मुश्त राशि भी हो सकती है, किसी भी रूप में दिया जा सकता है उनका मेहनताना, उनका पारिश्रम। ठीक, ये तो इनके तीन अधिकार हैं। अब प्रवर्तकों का कर्तव्य और दायित्व देखिए, भाई कर्तव्य और दायित्व प्रवर्तकों के, कर्तव्य और दायित्व, ठीक, उनके ड्यूटी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पहला है कि गुप्त लाभ प्रकट करने तथा भुगतान करने का दायित्व, गुप्त लाभ, गुप्त लाभ प्रकट करने करने तथा तथा भुगतान करने का दायित्व, भुगतान करने का दायित्व। ठीक, तो इसमें क्या है कि बिना विवरण दिए हुए संपत्ति के क्रय से होने वाली हानि के लिए, ये दूसरा दायित्व है। नहीं, पहले पहले सुन लीजिए, जो ये गुप्त लाभ होता है, अगर किसी भी प्रवर्तक को कोई गुप्त लाभ हुआ है, कोई ऐसी धनराशि प्राप्त हुई है जो कंपनी को नहीं मालूम है, तो उसे बताने का उसका कर्तव्य है, और उसकी जो धनराशि जो प्राप्त हुई है उसे उसको लौटाने का, भुगतान करने का दायित्व भी उस प्रवर्तक के पास होगा, उसका दायित्व है वापस करें। अब दूसरा अधिकार देखिए, बिना विवरण दिए हुए संपत्ति के किराए से होने वाली हानि के लिए, देखिए बिना विवरण दिए हुए हानि, हानि से मतलब के संपत्ति किराए से जो हानि हुई है, जैसे कंपनी को कोई विवरण दिया नहीं है, कंपनी को कुछ बताया नहीं गया है और किसी संपत्ति का किराया हो गया है और उससे जो हानि होती है, तो उस हानि के लिए दायित्व प्रवर्तक को होगा। यदि प्रवर्तक कंपनी को बिना विवरण दिए हुए कोई संपत्ति खरीद लेता है तथा जिससे कंपनी को कोई हानि होती है, तो इस हानि की पूर्ति के लिए दायित्व प्रवर्तक का होगा, प्रवर्तकों का होगा। कंपनी इन हानियों के लिए प्रवर्तक उत्तरदायी, कंपनी उन हानियों के लिए प्रवर्तक को उत्तरदायी ठहराएगी। तीसरा, दस्तावेजों में कपट के लिए उत्तरदायित्व, दस्तावेजों में कपट का दायित्व, अच्छा सीधी बात यह है कि जो कंपनी के प्रवर्तक हैं, संगम ज्ञापन तैयार करते हैं, सारे कार्य वही करते हैं, विवरण पत्रिका भी वही छापते हैं, तो फिर अगर कपट का कोई कार्य करते हैं दस्तावेजों में, कोई धोखाधड़ी करते हैं दस्तावेजों में, तो उससे कंपनी को जो भी हानि होगी उसका दायित्व तो प्रवर्तकों का होगा, प्रवर्तक ही उसके जिम्मेदार होंगे, कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। चौथा है संविदाओं को पूरा न करने का दायित्व, संविदाओं का पूरा ना होने पर दायित्व, संविदाओं का पूरा ना होने पर दायित्व, अगर कोई भी संविदा की गई है और उस संविदा को पूरा नहीं किया गया और उस संविदा के पूरा ना होने से कोई क्षति हुई,
कोई नुकसान हुआ कंपनी, तो कंपनी उस नुकसान को, उस क्षतिपूर्ति को प्रवर्तक से लेगी, और प्रवर्तक का दायित्व तो बनता है, उसका कर्तव्य बनता है उस धनराशि को दे, क्षतिपूर्ति कंपनी की करे। पांचवा है मृतक होने पर उत्तरदायी। अगर प्रवर्तक मृतक हो जाता है तो उत्तरदायी क्या होगा? मृतक का उत्तरदायी, उत्तरदायित्व तो किसका होगा? यदि किसी प्रवर्तक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति के द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के लिए उत्तरदायी होती है। उसकी जो संपत्ति है वो जिम्मेदार होगा उस संपत्ति से। यानी कि अगर कोई प्रवर्तक की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो ऋण हैं उसकी संपत्ति से लिए जाएंगे। दायित्व वो निभाएगा जो उसके वारिस होंगे, संपत्ति के मालिक बनेंगे तो वो उसका ऋण चुकाएंगे। नंबर छः, दिवालिया होने पर। नंबर छः, दिवालिया होने पर क्या दायित्व कर्तव्य होगा? अगर प्रवर्तक दिवालिया हो जाता है तो भी उसकी संपत्ति, जो उसकी संपत्ति होगी कंपनी के लिए उत्तरदायी होती है। सातवां है कपट और कर्तव्य भंग करने की दशा में। कपट, अगर कपट किया है या कर्तव्य भंग किया है उस दशा में उत्तरदायी और कर्तव्य क्या होगा? भंग, ठीक है, कपट या भंग। इसमें क्या है कि यदि कंपनी ने कोई हानि प्रवर्तक के कपट या कर्तव्य भंग के कारण उठाई है तो उस हानि के लिए प्रवर्तक उत्तरदायी होगा, उसके लिए उत्तरदायी होगा, जिम्मेदार होगा। आठवां टॉपिक आर्थिक दंड की सजा। आर्थिक दंड की सजा का प्रावधान भी है। अगर कोई भी प्रवर्तक कोई ऐसी या कोई ऐसा छल करता है या कोई कपट करता है तो उस पर आर्थिक दंड भी और सजा का प्रावधान भी है। 2 वर्ष की सजा हो सकती है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है अपराध सिद्ध होने पर। और नमा है समापक की रिपोर्ट पर प्रवर्तक का दायित्व। समापक की रिपोर्ट पर, समापक की रिपोर्ट पर, नंबर 9 की रिपोर्ट पर प्रवर्तक का दायित्व। अच्छा, मैंने एक बार बताया था कि कंपनी का जब एक बार विधिक व्यक्तित्व प्राप्त हो जाता है तो फिर कंपनी हमेशा जीवित रहती है, कंपनी कभी नहीं मरती है। कंपनी के सारे संचालक सदस्य अगर मृतक हो जाएं या मृत्यु हो जाए उनकी तो भी कंपनी नहीं मरती है। जो एक बार एक उदाहरण दिया है एक लेखक ने कि एक बार मीटिंग हो रही थी कंपनी की जहाज़ में, पानी वाले जहाज़ में, और वो जहाज़ डूब गया। कंपनी के सारे सदस्य संचालक सब डूब गए लेकिन कंपनी नहीं मरी। तो कंपनी कभी भी कंपनी की मृत्यु नहीं होती, कभी कंपनी समाप्त नहीं होती अपने आप ही, चाहे सारे सदस्य मर जाएं। कंपनी का परिसमापन होगा, विधि अनुसार परिसमापन होगा उसका और कंपनी समाप्त हो जाएगी। तो अगर परिसमापन के समय जब कंपनी समाप्त हो रही है, जैसे घाटे में जा रही है या किस वजह से सब परिसमापन हो रहा है, किसका दायित्व है, अगर न्यायालय ने परिसमापन के समय ये साबित कर दिया या ये साबित हो गया न्यायालय में कि उसमें प्रवर्तक की गलती थी तो इसकी जिम्मेदारी भी प्रवर्तक की होगी, जो हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति प्रवर्तक से ली जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की प्रवर्तकों के बारे में, उनके कर्तव्य और दायित्व के बारे में, उनके अधिकार के बारे में और उनकी परिभाषा के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जुड़े रहिए सन लॉ स्टडी के साथ।